भारत को टोक्यो ओलंपिक में अपना दूसरा पदक मिल गया है। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिला दिया है। पीवी सिंधु लगातार दो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। अब तक ऐसा किसी भी पुरुष या महिला भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने नहीं किया था। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल के लिए हुए मैच में चीन की हे बिंग जियाओ को सीधे सेटों में 21-13, 21-15 से हराया। सिंधु ने मैच के दौरान लगातार चीनी शटलर के खिलाफ आक्रामक अंदाज दिखाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच गेम के दौरान लंबी रैलियां भी देखने को मिली। सिंधु ने पहला गेम बहुत ही आसानी से 21-13 से अपने नाम कर लिया था। दूसरे गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। मैच के दौरान एक पल के लिए दोनों खिलाड़ियों का स्कोर 11-11 हो गया था, लेकिन सिंधु ने चीनी खिलाड़ी को खुद से आगे नहीं जाने दिया। सिंधु अपनी प्रतिद्वंदी पर भारी पड़ी और उन्होंने दूसरा गेम 21-15 से जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक में भारत की झोली में दो पदक हो गए हैं। भारत की मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतकर टोक्यो में भारत के पदकों का खाता खोला था। सिंधु को सेमीफाइनल मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 1 ताई जू यिंग के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं क्वार्टर फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराकर सिंधु ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई थी। सिंधु ने रियो ओलंपिक में भी रजत पदक जीता था। टोक्यो में कांस्य पदक जीतकर वो भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में दो पदक हासिल किए हैं।